हांगकांग पर चीन की तानाशाही के किस्से अक्सर ही चर्चा में रहे हैं और अब उसी से जुड़ी एक खबर और है जिसने हांगकांग के लोगों को चिंता में डाल दिया है। चीन ने उस विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है जिससे अधिकारियों को हांगकांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की अनुमति मिल जाएगी, यानी कि अब चीन हांगकांग में मनमाने तरीके से लोगों पर जुल्म कर पाएगा जैसा उसका हमेशा से प्रयास रहा है। और इस कानून की वजह से लोगों में पहले से ही डर था कि वो इसका इस्तेमाल इस अर्धस्वायत्त क्षेत्र में आवाजों को दबाने के लिए कर सकता है। हांगकांग के इस नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को संसद की स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया है। हालांकि ये जानकारियां साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार और सरकारी चैनल आरटीएचके ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए दिया है, लेकिन न तो चीन और न ही हांगकांग के अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। हांगकांग की नेता कैरी लॉम ने संवाददाताओं के साथ साप्ताहिक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था कि स्थायी समिति की बैठक अभी चल रही है और ऐसे में कुछ भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। इस कानून का लक्ष्य हांगकांग में विध्वंसक अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों समेत शहर के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकना है। गौरतलब है कि चीन के खिलाफ हांगकांग में पिछले कई महीनों तक विद्रोह हुए, प्रदर्शन उग रहा, चीनी प्रशासन ने लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए बर्बरता की और अब इस नए कानून को लाया जा रहा है ताकि वहां के लोगों पर ज्यादा पाबंदियां लगाई जा सके और वो चीनी तानाशाही के खिलाफ आवाज न उठा सके। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका हांगकांग की रक्षा निर्यात रोक देगा और जल्द ही हांगकांग को उन वस्तुओं की बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी जिसका इस्तेमाल असैन्य नागरिक और सेना दोनों करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन द्वारा हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मंजूरी देने की खबरों के बीच इस कदम की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन पिछले कई सप्ताह से ये चेतावनी दे रहा है कि वो हांगकांग को अमेरिका द्वारा कारोबार में दी गई तरजीह को खत्म करने के लिए कदम उठा सकता है। इस कारोबार में कई तरह के लाभ शामिल हैं। हांगकांग उन रक्षा उपकरणों का भी आयात कर सकता है जिसकी मंजूरी चीन को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।